दोस्तों, अगर आप आज एक ड्रोन लेना चाहते हो इस सेल में, तो फिर इस वीडियो को ना देखकर कोई ड्रोन नहीं लेना। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल में आपको कौन कौन सा ड्रोन परचेस करना चाहिए, किस साइट से आपको ड्रोन परचेस करना चाहिए, फ्लिपकार्ट से या अमेजोन की सेल से। तो फिर चलो दोस्तों, आज हम इसी का रिवील करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है UDIRC का ड्रोन जो कि है अमेजोन में, और राइट हैंड साइड में है आपके फ्लिपकार्ट से UDIRC ड्रोन। फ्लिपकार्ट का जो प्राइस है वो है 2,999 और जो अमेजोन का प्राइस है वो है 7,999। तो फिर आप पता लगा ही चुके हो कितना अंतर है इस दोनों के प्राइस में। तो फिर मैं इस तरीके से चार ऐसे कंपैरिजन करूँगा और जिस जो ज़्यादा इस तरीके से 1 पॉइंट पाएगा वो इस मैच को जीत जाएगा, यानी कि वो साइट अच्छा है इस सेल से ड्रोन खरीदने के लिए। तो फिर बढ़ते हैं मेरे दूसरे नंबर कंपटीशन के तरफ। तो फ्रेंड्स, दूसरा कंपटीशन है फ्लाइंग मोटरसाइकिल का। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है अमेजोन का फ्लाइंग मोटरसाइकिल और राइट हैंड साइड में है फ्लिपकार्ट का फ्लाइंग मोटरसाइकिल। तो फिर इस केस में अमेजोन का फ्लाइंग मोटरसाइकिल फ्लिपकार्ट से फ्लाइंग मोटरसाइकिल से सस्ता है। तो फिर इसमें अमेजोन का 1 पॉइंट होता है। तो फिर आप दोनों का पॉइंट है इक्वल, यानी कि 1:1। और मैं आपको बता दूं कि मैं पहले कहा था कि मैं चारों ड्रोन का इस तरीके से कंपैरिजन करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 ड्रोन इस तरीके से ढूंढा सेम, लेकिन एक ड्रोन मुझे सेम नहीं मिला, इसीलिए मैं सिर्फ तीनों का ही कंपटीशन करूंगा। तो फिर फ्लिपकार्ट का पॉइंट है 1, अमेजोन का पॉइंट है 1। तो फिर आप लास्ट एंड फाइनल कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, लास्ट कंपटीशन है HX750 ड्रोन का। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है फ्लिपकार्ट का HX750 ड्रोन, राइट हैंड साइड में है अमेजोन का HX750 ड्रोन। तो फिर इस केस में फ्लिपकार्ट बहुत ही कम मार्जिन से जीत गया, क्योंकि फ्लिपकार्ट का प्राइस है HX750 ड्रोन का 1,574 और अमेजोन का प्राइस है 1,599। थोड़ी सी दूरी में अमेजोन इसमें हार गया। तो फिर जीत तो जीती होता है। तो फिर फ्लिपकार्ट का पॉइंट होता है 2 और अमेजोन का पॉइंट होता है 1। तो फिर आप इस सेल में फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, फ्लिपकार्ट से ड्रोन लेना अच्छा रहेगा। तो फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, इस वीडियो को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना।